मित्रों, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, इनका क्रेडिट कार्ड HSBC बैंक का अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद एक काफी हैप्पी हुए। अब बैंक ने क्या किया, ब्लू कोरियर से इनके एड्रेस पर डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच हो जाने के बाद इनके एड्रेस में प्रॉब्लम था और उस कुरियर ने बैंक का रिटर्निंग डाल दिया। अभी दुखी हो गए कि मेरे परिश्रम के बाद, कितने मेहनत के बाद एक कार्ड मिल रहा है और एक कार्ड को बैंक रिटर्निंग के लिए डाल रहा है। मैं क्या करूं, कोई रास्ता बताओ, कोई ऐसा ट्रिक बताओ। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो SBC बैंक क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसी बैंक क्रेडिट कार्ड है, चाहे आप किसी और बैंक कार्ड ले रहे हो, जब भी कार्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने रॉन्ग एड्रेस डाल दिया, रॉन्ग पिन कोड डाल दिया, आधार कार्ड से मैच एड्रेस नहीं डाला, वो कार्ड आपको नहीं मिलेगा। देखो, जब भी आप कोई रॉन्ग एड्रेस डालते हो, KYC करते हो, जो आपका गवर्नमेंट ID है वही एड्रेस अपडेट होगा। अगर आप कोई जुबान से बोल के एड्रेस अपडेट करवाते हो तो कभी कभी वो लक बाय चांस हो जाता है। वैसे तो बैंक के जो आपका गवर्नमेंट ID है उसी भी आपका एड्रेस को अपडेट करती हैं और उसी एड्रेस पर आपका बेचती हैं क्रेडिट कार्ड। आप जैसे मान लो रहते हैं किसी और एरिया में, पिन कोड कहीं और का है, तो ये जो कुरियर है ब्लू डॉट कार्ड आपको नहीं देगा और आपको ना मिलेगा और वापिस जाएगा, तो बैंक दोबारा फिर से ट्राई करेगा। इसके बाद अगर फिर से आपको नहीं मिला, रिटर्न चला गया, तो बैंक बोला KYC करवाओ और जो आपने एड्रेस बैंक के पास सबमिट किया है उसी बिहा पे फिर से KYC करना पड़ेगा, तभी आपको कार्ड मिलेगा। तो ये चीजें होती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, देखो अब नियम सख्त हो गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड में रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग पिन को डाल के कार्ड को अप्रूव करवा ले रहे हैं, अगर आपका कार्ड आ गया ब्लू डॉट कोरियर के थ्रू, तो आपको कार्ड मिलना बड़े मुश्किल हो जाएगा। और बैंक के चाहे गांव हो चाहे देहात हो, हर जगह इसी कोरियर का इस्तेमाल कर रही है। और ये ऐसा कोरियर है कि पिन कोड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी इंफॉर्मेशन मैच करना चाहिए। जो कार्ड होल्डर के नाम पे कार्ड आ रहा है, आपका एरिया उनके अंडर में आना चाहिए। अगर एड्रेस मैच नहीं किया, एरिया नहीं आया, तो रिटर्निंग डाल देंगे। कॉल करोगे तो बोलेंगे बैंक से मेल करवाओ। अगर आपका उनके पहचान है ऑफिस में, या आप उनसे जाके हेल्प मांग के अगर चाहोगे तो ले सकते हो। एक कार्ड हमारे एक व्यूअर साथ हुआ था, उसके दो कार्ड उन्होंने रॉन्ग पिन को डाल के अप्रूव करवाया और फर्स्ट कार्ड था, काफी दुखी हो गया। मेरे पास कॉल आया, मेरी मदद करो। मैंने उस एरिया का जो ऑफिस है उनका एड्रेस निकाला, कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, कॉल किया, हमने रिक्वेस्ट किया, प्लीज काफी दिक्कत वाली बात है, फर्स्ट कार्ड है, आप दे दीजिए सर। बहुत रिक्वेस्ट किया और बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया और दे भी दिया। बोला सर देते नहीं है, हमारा रूल नहीं है, बट आपको हम दे रहे हैं, आधार कार्ड जमा किया, दे दिया। दूसरा कार्ड है सेम कार्ड, सेम एड्रेस पर, फिर से मैंने कॉल किया, फिर से मैंने उनके रिक्वेस्ट किया, बात किया, वो कार्ड मिल गया। तो आप दोस्तों ऑफिस में जाके उनसे बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, शायद आपको दे दें। वैसे आप जबरदस्ती कार्ड नहीं ले सकते हो, ये उसका पूरा प्रोसेस है। तो आपको इस तरीके से कार्ड को अप्लाई नहीं करना है जो कार्ड आपको अप्रूव होकर मिल ना सके। तो ये कहानी, इस ट्रिक को फॉलो जरूर करना, बाकी और कोई तरीका नहीं है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।